तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे, स्वागत करेंगे आपका एनाबेली सेतुपति के साथ, जो कि गाइस अभी फिल्म रिलीज हुई है। तमिल लैंग्वेज फिल्म है कहने को ये, पर पैन इंडिया तौर पर रिलीज़ की गई है OTT यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। गाइस अगर सच कहूँ इस फिल्म को लेकर, तो आपको बता दूँ इस फिल्म के बारे में एक महीने पहले तक किसी को पता भी नहीं था। किसी को नहीं पता इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हुई, फिल्म की शूटिंग कब हुई। बस इतना पता है फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ हो गई। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो। पैन इंडिया ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। इस फिल्म का जो हिंदी डबिंग में नाम है वो है एनाबेली राठौर। फिल्म काफ़ी अच्छी है, जिसमें कि लीडिंग कास्ट में नज़र आ रही है तापसी पन्नू और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति। इनके अलावा नज़र आ रहे हैं योगी बाबू और जगपति बाबू। गाइस अगर बात करें अब फिल्म 3 दिनों के अंदर अंदर OTT यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार से क्या कलेक्शन कर रही है अपने 3rd दिन खास तौर पर, तो आपको याद हो गाइज आज नॉन वर्किंग डे था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा और काफ़ी अच्छा इसको जो रिस्पांस है वो मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। बात करें आज के कलेक्शन को लेकर, तो भाई मैं आपको बता दूँ ये फिल्म अगर आज ज़्यादा भी नहीं ना 2 करोड़ का भी कलेक्शन कर रही है तो काफ़ी अच्छी बात है फिल्म के लिए। और इस कलेक्शन के बाद जो इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका है लगभग से लगभग 8 से 9 करोड़ हो गया है। और इस फिल्म का बजट भी ज़्यादा नहीं है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 करोड़ का बजट होगा। और जल्दी इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो भी आने वाला है। और दोनों ही फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं दीपक सुंदर राजन। जी हाँ गाइज, फिल्म काफ़ी अच्छी है। अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। गाइज मैंने देख ली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।